तो चार्ट हम यहाँ पे कुछ नंबर दे देते हैं एक्चुअल में, तो इस पे हम चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लेते हैं आप ये वाली चार्ट, नहीं इसमें कॉम्बो चार्ट लेंगे हम, ये रहा ना कॉम्बो चार्ट, आपका कॉम्बो चार्ट लेते हैं। और इसमें आप ये कर सकते हैं, सबसे पहले इसको पॉइंट पकड़िए, इसको रखिए और इसकी इसमें इसकी राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज फिल में आइए, इसमें आपका मार्कर है ना, मार्कर को लीजिए, मार्कर ऑप्शन पे आइए, इसको रेड है ही, और इसको जो है नन बिल्ड, इसकी साइज बढ़ा दीजिए, ठीक है। राउंड चाहिए या गोल चाहिए वो आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद लाइन ऑप्शन पे आइए, और लाइन ऑप्शन में जो है आप इसकी लाइन की जो कलर है उसको यहाँ नो लाइन पे क्लिक कर दीजिए, ओके समझ गए ना। अब इसको ओके इसकी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से जो करना है कर दीजिए। ओके सर, गॉट इट। यहाँ पे ग्रे कलर चाहिए, ग्रे कलर ले लीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है आपको, तो यहाँ से एक कमाने नहीं इससे होगा गैप से, ये होगा, ठीक है, ठीक है सर, गॉट इट समझ गए। जी। अब दूसरा आपका था जिसमें नहीं, इसमें नीचे भी मुझे यहाँ वो हेडिंग चाहिए ना, नीचे कौन सा ये है जो वो, जैन, नीचे नीचे। हाँ, ये चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या होना, ये करना होगा चार्ट डिजाइन में लेआउट में ये वाले लेआउट लेना होगा, अच्छा, लेआउट में, चार्ट लेआउट में, ओके। ठीक है सर, गॉट इट। दूसरा आप चाहते हैं कि जो दूसरा एग्जांपल है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि इसी को हम लेते हैं। आपका जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट चार्ट में हम ए वाली चार्ट को लेंगे, दिख रहा है सर, ओके और इसको बड़ा कर देते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, और सेलेक्ट करने के बाद इसको कर देता हूं नो फिल एंड नो लाइन नो बॉर्डर, गया सर। और इसमें जो है आप ऐड अलग अलग कलर करना है, इसको सेलेक्ट करके अलग अलग कलर कर दीजिए। मैं तरीके बता रहा हूं, बाकी आप लोग अपने इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपने हिसाब से। हाँ, जी। तो क्या होगा कि ये इधर से अब लोग कुछ लोग कुछ लंबा है, जैसे यहाँ अगर प्लान को जीरो कर देता हूँ पूरा आएगा ना, 78 को मैं कर देता हूँ 90 तो बड़ा दिखेगा आपको, 150 कर देता हूँ 150 दिखेगा आपको, समझे किस, नहीं सर। जी, समझ गया। तो इस तरह का इसको कर सकते हैं। अच्छा, और एक बात भी इसमें, जैसे चार्ट में एक था वहां पे, वो चार्ट में मुझे ओपनिंग भी लाना है। ओपनिंग यहाँ पे जो है ना, एक कॉलम और एक है वहां पे ओपनिंग बोल के, वो प्रेजेंट करना है ऐड मेरे को। कीजिए, एडिटर में ऐड करेंगे तभी तो आएगा।
जी ओके okay. जो डेटा ऐड होगा तो वहां पर ओपनिंग आ जाएगी आप। और दूसरी चीज अच्छा। आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि कौन सा चार्ट इसने यूज किया हुआ है, तो चार्ट सेलेक्ट कीजिए। ओके चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ चार्ट डिजाइन पे आएंगे ना, तो यहाँ आपको हाईलाइट दिख जाएगा कौन सा है, दिख रहा है यहाँ पे सिलेक्ट ए डिजाइन है, समझे ना। चार्ट आपको यहाँ ऊपर दिख जाएगा कौन सा चार्ट यूज किया गया, लेकिन ये यहाँ पे चेन चार्ट टाइप सीरीज पे जाएंगे तो वहां आ जाएगा कि कौन सा चार्ट टाइप है, कॉम्बो चार्ट है ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा कॉम्बो चार्ट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर ये एक कॉलम ऐड करके बता दीजिए सर, इसमें इसमें एक और कॉलम ऐड करना है आप जब बोल रहे हैं। जी 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 तो यहाँ पे हम करते हैं मान लीजिए कि डेट डेटा, एक डेटा कर देते हैं। इसमें क्या है कि अगर एक और कॉलम ऐड करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये इसी के नीचे इसी का पार्ट बन जाएगा, लेकिन आप कुछ आप चाहते हैं कि अलग से कॉलम बना सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए आपको जाना होगा सिलेक्ट डेटा में ऐड और इसको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। ओके यहाँ पे हम सेल्स लेते हैं और इसको जो है हम यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम होगी, ये आपका तीनों है ना इस तरह से, लेकिन मुझे अलग चाहिए। तो यहीं पे सिलेक्ट कीजिए चेन चार्ट टाइप, नीचे आ गया। तो आपका 85-86 करके जो आ रहा है सेल का कॉलन है, इसको जो है आप कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में, ठीक है। ओके सर ओके। पर क्या है, कुछ ऐसे चार्ट्स हैं कि दो चार्ट एक जैसे नहीं बन सकता, यहाँ आपको डेटा उस हिसाब से बनाना होगा। आपने देखा अपना फाइल में देखिए, वहां पे दिखेगा कि उसने डेटा उस हिसाब से अरेंज किया हुआ है। लेकिन अब ये चार्ट तो जो नहीं है मैं चाह रहा हूँ। हाँ जो चार्ट नहीं है क्योंकि आपका यहाँ पे डेटा उस हिसाब से अरेंज किया हुआ, अगर आप अपनी स्क्रीन दिखाएं तो आपको बता दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं शेयर करता हूँ आपको। स्क्रीन शेयर कीजिए। जी 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 हाँ, इसमें देखिए एक मिनट, इसको अनेबल कंटेंट करेंगे सर। ये मेरा फाइल वो हो जा रहा, मैं अनेबल किया तो हैंग हो जा रहा फाइल, अगर मैं इसको अनेबल किया तो हैंग हो जा रहा फाइल। अगर कोई बात नहीं, चलिए चार्ट को सिलेक्ट कीजिए, देखो डेटा पे जाइए सर, डेटा के ऊपर। ओके देख पा रहे हैं एक अमाउंट हो गया, क्लेम हो गया, और ये दिख रहा है अलग अलग आपको दिया हुआ दिख रहा है सर जी। और ये फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला लगा होगा, फॉर्मूले से ये जो है कनेक्ट होगा सर। राइट क्लिक कीजिए चेंज, यहाँ पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक चेंज चार्ट टाइप सीरीज कीजिए। इसने इस वाले चार्ट को लिया हुआ है, ठीक है। इसने कुछ ऐसा किया नहीं, इसने बस डेटा को अलग अलग किया हुआ है सर। डेटा दिख रहा है ना सर, इसको अलग किया हुआ है। ये समझा तो सकता हूं मैं, लेकिन सर अभी नहीं सर, पहले। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख लिए ना तो मेरे को कभी भी बोला। मैं इस पे एक वीडियो, इस पे मैं एक वीडियो बना देता हूँ, ठीक है आपको। चलो ठीक है सर, ओके नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, फिर अपन कल या परसों बात कर लेंगे इसके ऊपर। हाँ मैं इस पे एक वीडियो बना देता हूँ, आप देख लीजिएगा। चलो ठीक है, थैंक यू सर। इसको कंडीशनल कलर कहते हैं, कंडीशनल कलर इसको बोलते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है ना सर, ओके राइट। अब चलिए वापस आते हैं कोर्स।